नमस्कार दोस्तों, आज है 5 नवंबर। हमारी जोधपुर वाराणसी मुरदर एक्सप्रेस आ रही है पहली बार LHB डब्बों के साथ। वो सामने जो आपको महोदय खड़े दिखाई दे रहे होंगे वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैंने उस साइड से वीडियो बनाया था जो दोपहर में चैनल पे डाल दिया है, और अब मेरी फेवरेट ट्रेन LHB हुई है तो दोनों साइड से दो एंगल से वीडियो बनानी तो बनती थी। फिलहाल जयपुर के बाद इसका ट्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो जयपुर के बाद इसमें लगा आया इलेक्ट्रिक इंजन जो है वैगन 9, और ये हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू LHB डिब्बों के साथ पहली बार मरुधर एक्सप्रेस अपने एक अलग ही लुक में। और मेरी ये फेवरेट ट्रेन है तो मेरे को बहुत खुशी हुई इसको इस नए प्यारे से लुक में देख के। इसको LHB कोचेस मिलने का जो वेट था वो मेरे को स्पेशली बहुत था, और जितनी भी रेलवे की लिस्ट वगैरह थी उस किसी भी लिस्ट में अभी इसका नाम ऐसा नहीं था कि इसको इतनी जल्दी LHB कोचेस मिल जाएंगे। इससे पहले अरावली एक्सप्रेस, रणकपुर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को मिलने थे, इसका कोई अता पता नहीं था कि कब जाके इसको LHB कोच मिलते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, एक सरप्राइजिंग चीज़ रही कि इसको LHB डब्बे दे दिए गए आज 5 नवंबर को, मेरे बर्थडे के मात्र एक दिन बाद। तो बहुत खुशी की बात रही, मेरी फेवरेट ट्रेन अब हो चुकी है LHB। देख सकते हो आप आगे जो इसके स्लीपर डिब्बे हैं ये कितने शाइन कर रहे हैं, एकदम चमक मार रहे हैं। तो जो मरुधर एक्सप्रेस पहले ICF डिब्बों के साथ नॉर्मल दिखती थी, अभी ये नए LHB डिब्बों के साथ कुछ ऐसी दिख रही है। फिलहाल ये आज था इसका पहला रन जोधपुर से वाराणसी के लिए। लास्ट में इसमें एक इंस्पेक्शन कार लगाई गई थी जो कि रोजीना तो नहीं आएगी खैर, पर कल और परसों इसकी जो बाकी दोनों रेक आएंगी नई LHB रेक, उनकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी कल की और परसों की। और परसों ये वाराणसी से भी पहली बार LHB होके आएगी यही रेक, तो इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगी।